टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां सागर के गाड़ा कोटा में शनिवार की रात कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति पटेल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और ज्योति पटेल और उनके साथियों से रात में मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। तो फिर आज सुबह दिग्विजय सिंह फरियादियों और उनके समर्थक गाड़ा कोटा थाना पहुंचे और एडिशनल एसपी के साथ लगभग 2 घंटे तक लंबी बातचीत की। बातचीत में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाने पर सहमति हुई है। वही दिग्विजय सिंह ने घटना की निंदा की और कहा कि उन्होंने 10 साल के मुख्यमंत्री शासनकाल में गोपाल भार्गव का कभी कोई काम नहीं रोका। गोपाल भार्गव के क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, ये बेहद ही निंदनीय है। आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और उनके साथियों पर बदमाशों ने बड़े बड़े पत्थरों और लाठी डंडों से हमला किया था और गाड़ियों में तोड़फोड़ तक कर दी थी। गाली गलौज और पथराव के साथ बदमाशों ने उस घर पर भी हमला किया जिसमें ज्योति पटेल और उनके साथी मौजूद थे, जिसका वीडियो ज्योति पटेल ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया था, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई थी और वहां से सभी उपद्रवियों और बदमाशों को खदेड़ दिया था। वह ज्योति पटेल और उनके साथी सुरक्षित फिलहाल है। देर रात तक पुलिस और फरियादियों के बीच बहस के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस की तरफ से अनेक अधिकारी कर्मचारी पुलिस रेवेन्यू और अन्य विभाग के शिकायत की गई थी कि ये बहुत दिनों से यहाँ पदस्थ हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक जीवन पटेल के विवादित बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। अब उनसे दिग्विजय सिंह ने भी कन्नी काट ली है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो स्टार प्रचारक बनने के ही लायक नहीं थे। आपको बता दें कि एक चुनावी जनसभा में जीवन पटेल ने कहा था कि हमारी सरकार आने पर अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों को भूखा मार देंगे। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को पुलिस ने जांच रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में माना गया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोही जैसे टिप्पणी की गई है जो अभी भी ट्विटर पर मौजूद है। वहीं न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बयान दर्ज कराने के लिए 4 दिसंबर को तलब किया है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे ट्विटर पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने फॉरवर्ड किया था। वहीं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि उनका जन्म पाकिस्तान में होना चाहिए था। इसे लेकर कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता नितिन शर्मा ने सीजीएम कोर्ट में परिवाद भी पेश किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश की 2 अन्य मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये मामला बाद में एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। मैं नितिन कुमार शर्मा एडवोकेट, पूर्व शासकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक मध्य प्रदेश शासन एवं संभागीय अध्यक्ष कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग। विगत दिवस तो मेरे द्वारा एक परिवाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था दिनांक 26 अप्रैल 2023 को। उस न्यायालय में उस प्रकरण में आज न्यायालय में सुनवाई हुई। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां बिछुआ तहसील के खमरा गांव स्थित सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में चुनाव के दिन महिला रसोईया से रोजगार सहायक विजय साहू ने शराब पीकर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की थी, जिसकी शिकायत जनपद पंचायत बिछुआ की सीईओ और बिछुआ थाने में की गई थी। आपको बता दें कि चुनाव कराने आए निर्वाचन दल के लिए 17 तारीख को भोजन और नहाने की व्यवस्था ही छात्रावास में की गई थी। इसी बीच दोपहर का वो समय था जब रोजगार सहायक विजय बिना अनुमति के छात्रावास में घुस गया। वहां पहले शराब पिया, नशे में धुत होकर छात्रावास के किचन में घुसकर बर्तन फेंके और महिला कर्मचारियों के साथ गंदी गंदी गाली गलौज की है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। छात्रावास के सभी आदिवासी कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, जिसकी शिकायत छात्रावास पीआर मसराम सुभाष उइके, सुषमा कुदावले, राहुल किकोडिया, किरण बुनकर के द्वारा लिखित तौर पर दी गई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां
19 साल की छात्रा के अपहरणकर्ता को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। अपहरणकर्ता छात्रा को गुना ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से छात्रा को गुना के एक लॉज से बरामद किया है। पता चला है कि छात्रा को बाइक पर बिठाने के बाद राघवेंद्र बघेल ने रोहित और छात्रा को गुना छोड़ा, फिर बर्रा वापस लौट गया था। वारदात में शामिल रोहित के साथी राघवेंद्र बघेल को पुलिस ने बरा गांव से बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग मान रही है। वही छात्रा का सोमवार सुबह 10 बजे शहर के नाका चंद्रवदनी पेट्रोल पंप के बाहर से फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया गया था। यहां से झांसी रोड थाना 100 कदम दूर है। वही लहार के बरा गांव की छात्रा बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। वो अपने ताऊ के घर 23 नवंबर को होने वाले गृह प्रवेश के लिए ग्वालियर आई थी और चाचा चाची के साथ बस से ग्वालियर आई थी। नाका चंद्रवदनी पर बस रुकते ही सवारियां उतरी, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। झांसी रोड पर कल अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एक किशोरी को दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठा के जबरदस्ती ले गए थे। संबंध में फुटेज भी कल फुटेज में भी मिले थे वो ले जाते हुए। आरोपियों की तलाश के लिए लगातार क्राइम ब्रांच और ग्वालियर पुलिस द्वारा प्रयास किया गया और कल रात्रि में गुना से उन दोनों को अपहर्ता को और आरोपी को दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। लाके पूछताछ कर रहा है और आज आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वजह कहते सर क्यों उठाया उसमें कुछ जानकारी पूछते हैं? दोनों एक ही गांव के हैं और पहले से परिचित थे। बाकी का जो अपहर्ता है उसके स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के तहत दमोह के मर्यादो वन परिक्षेत्र बफर जोन के उदयपुरा वीट से वीट के RF-39 जंगल में वन्य जीव सांबर के शिकार का मामला सामने आया है। शिकार की सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी हृदेश हरि भार्गव अमले के साथ मौके पर पहुंचे और जंगल से दो शिकारियों को धर दबोचा। पकड़े गए शिकारियों के कब्जे से वन्य जीव के मांस के अवशेष सींग औजार भी बरामद किए गए हैं। शिकार में कुछ और लोगों के शामिल होने की संभावना है। वही मौके पर डॉग स्क्वाड टीमें भी बुलाई गई है जो जंगल में लगातार सर्चिंग कर शिकारियों की गतिविधियों का पता लगाने में जुटी है। वन विभाग ने अब तक 4 लोगों पर वन जीव अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां हजीरा थाना क्षेत्र के 4 शहर का नाका इलाके में विवाहिता की उसी के पति ने गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या से पहले महिला से पति जितेंद्र सिंह भदौरिया ने जमकर मारपीट की थी और महिला को गंभीर हालत में जिया रोग अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां देर रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वही जितेंद्र भदौरिया उर्फ जीतू की शादी करीब 1 दशक पहले पूनम से हुई थी, लेकिन पति पत्नी में वैचारिक मतभेद काफी रहते थे, जिसके कारण उनमें आए दिन झगड़े भी होते रहते थे और कई बार महिला के परिवार के लोगों ने जितेंद्र भदौरिया को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जबकि मायके पक्ष के लोगों ने आरोपी जितेंद्र भदौरिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। फिलहाल आरोपी पति जितेंद्र भदौरिया पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कल दिनांक 20/11/23 का मामला है। शाम के रात में 8 बजे करीबन का मामला है। 4 शहर नाके के पास में चौड़े के हमला में वहाँ एक भदौरिया फैमिली रहती है, उसमें जितेंद्र भदौरिया और उसकी पत्नी पूनम, वो लोग वहाँ साथ में रहते हैं। तो इनका पति पत्नी का कुछ विवाद हुआ था, विवाद में झगड़े हुए और फिर जो जितेंद्र है आरोपी, ये प्रकरण में आरोपी बनाया गया, उसने अपनी पत्नी के साथ में मारपीट की, उसका गला दबाया, ऐसा बताया है फैमिली ने। तो उसके बाद वो घायल थी, घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल के बाद में सीएस में उसको रेफर किया गया था, वहाँ इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान पूनम भदौरिया जो है उनकी डेथ हो गई थी रात्रि में। तो उस पर से हमने मुकदमा कायम किया गया है और उसमें विस्मय की जा रही है।
ग्वालियर के लिए अब डेंगू घातक साबित होता नजर आया है। इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सीजन में 1000 से ज्यादा मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य महकमा लगातार दावे कर रहा है कि वो डेंगू को लेकर सतत कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। डेंगू के मरीज कम होने की बजाय रोज बढ़ रहे हैं और हालात यह है कि सरकारी आंकड़ों में इन मरीजों की संख्या अभी तक 1000 से ज्यादा दर्ज की गई है, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा पहुंच गई है। वह स्वास्थ्य महकमा लगातार दावा कर रहा है कि उनकी कई टीमें शहर में घूम रही हैं जो डेंगू को लेकर काम कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत फिलहाल काफी बदली हुई है। रविवार को 37 नए मरीज मिले, जबकि कल यानी कि सोमवार को 13 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे एक बात तो तय है और ये बात साफ हो चुकी है कि अगर डेंगू को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। जिले के सीएमओ का कहना है कि वो हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे डेंगू पर लगाम लग सके। डेंगू निश्चित तौर पे अपने ग्वालियर शहर में ज्यादा थोड़े से संख्या आ रही है और ये 1000 से ऊपर भी हो गए हैं केसेस। डेथ हमारे यहाँ एक रिपोर्टेड थी, इसके बाद अभी डेथ तो नहीं हुई है लेकिन मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो हमारी 29 टीमें अभी हमारे शहर में काम कर रही है। उन 29 टीमों में जहाँ पर हमारे डेंगू पॉजिटिव निकलते हैं उन एरिया में लगभग 150-200 घरों का हम लोग सर्वे करते हैं और उसमें जो लार्वा मिलता है वो लार्वा को विनष्टीकरण करते हैं, उसमें दवाई हमारे पायरेथ्रम और टेमोफोस डालते हैं, पायरेथ्रम का छिड़काव करते हैं और सघन जाँच उस जगह पर भाई की जाती है। लगभग हमारे ऐसे 15-16 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर संख्या थोड़ी ज़्यादा आ रही है और हमारे यहाँ ग्वालियर में हम लोग टेस्ट ज़्यादा लोगों का कर रहे हैं, तो टेस्ट ज़्यादा करने से संख्या थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2021 में 27 थी और 2022 में 12 थी, आज हमारी 6.5 है। 2023 में 6.5 हमारी पॉजिटिविटी रेट है, यानी हमारे 6% लोग बच्चे यानी मरीज पॉजिटिव। अब खबर ग्वालियर से है जहां पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बरौआ गांव में एक दलित महिला से पड़ोसी ने दुष्कर्म को अंजाम दिया है। वारदात के समय उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, वही पड़ोसी युवक पूरन सिंह किरार महिला के घर में घुसा और उसके अकेले होने का फायदा उठाकर दुष्कर्म कर दिया। बाद में महिला को धमका कर वो फरार हो गया। महिला के पति के आने के बाद उसने पड़ोसी पूरन सिंह की हरकत के बारे में उसे बताया, जिसके बाद पति पत्नी पुरानी छावनी थाने पहुंचे और उन्होंने पूरन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पूरन सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुरानी छावनी में बरुआ गांव में एक महिला के साथ में दुष्कर्म का मामला प्रकाशित में आया है। महिला द्वारा थाने पुरानी छावनी में आके रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म तथा एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र ही आजकल में हो जाएगी, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।